राजधानी की पल पल खबरों से अवगत कराता है हमारा HT न्यूज चैनल आपको। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ htnews.co.in में। जैसे कि राजधानी में जगह जगह से धरना स्थल की और अन्य खबरों से आप हमारे चैनल से रूबरू होते हैं। पहले भी आपने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अन्य खबरें हमारी देखी थी जो हमने आपको प्रमुखता से दिखाई थी। इसी तरीके से आज इको गार्डन में दिग्गज नेताओं ने एक मंच पे आकर के अपनी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को लेकर के भाजपा पर साधा निशाना। देखिए हमारे संवाददाता विक्रम की एक रिपोर्ट, फिर मिलते हैं आपसे बाद। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पेंशन बचाओ विशाल रैली कई बार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार और भी आंदोलन हो चुका है जिसको लेकर सरकार हिल चुकी थी। तो आइए देखते हैं आज किन प्रमुख मांगों को लेकर आज की ये विशाल रैली और क्या क्या प्रमुख मांगे, कहां कहां से लोग इतनी भारी संख्या में आए और क्या सरकार से जवाब चाहते हैं और किस तरह की सरकार से उम्मीद करते हुए ये लोग अपनी मांगों को लेकर ये रैली कर रहे हैं। मैं एसपी तिवारी, अध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, अध्यक्ष जसपुर, आज संयुक्त संघर्ष संचालन के नेतृत्व में ये महाधरना चल रहा है और इसमें केवल एक ही मांग है कि राज्य कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन की बहाली किया जाए। ये आपको पता अवगत है कि 2005 अप्रैल 2005 में सरकार ने नई पेंशन को लागू किया और पुरानी पेंशन को राज्य कर्मचारी और शिक्षकों पर लागू खत्म कर दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको केवल पुरानी पेंशन चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करती है तो हम बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे और इसका पूरा का पूरा परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार ने आश्वासन दिया था आप लोगों को, सरकार ने आश्वासन दिया था पिछली बार के प्रदर्शन पर, अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक कमेटी गठित की है जो नई पेंशन के सुधार की बात कर रही है, हम उस कमेटी का बहिष्कार कर चुके हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता करना चाहते हैं, वो हमको बुलावें और ये बतावें कि पुरानी पेंशन किस रूप में, लोकसभा चुनाव के पहले अगर पुरानी पेंशन बहाली का आदेश नहीं दे देते हैं तो इसका पूरा दायित्व उनके ऊपर होगा, माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के, कि इसका परिणाम फिर उनको भुगतना पड़ेगा। इसके चुनाव में जवाब देने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हैं, चुनाव में जवाब देंगे और बहुत जोरदार तरीके से कर्मचारी और शिक्षक लामबंद होकर के जवाब देगा। सुशील पांडे, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ, यस कोर संयोजक। बताइए क्या प्रमुख मांग, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन बहाली के लिए 5 सितंबर और 2 अक्टूबर को जनपद मुख्यालय में कार्यक्रम हो चुके हैं, अभी 75 जनपद में जन चेतना यात्रा की गई है और आज ये प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, और अगर सरकार नहीं चेती तो 19 को चुनाव में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लाखों की संख्या में सभी को एकत्रित हुए हैं जी, तो किस तरह का सरकार को जवाब देना चाहिए? सरकार माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से ये है कि 19 के चुनाव के पहले पुरानी पेंशन बहाल कर दे, नहीं उनको नुकसान होगा। स्वयं संघर्ष संपालन संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके श्रद्धे अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि किस लिए इतनी विशाल रैली कर रहे हैं आज? मैं अनुदीप प्रसाद तिवारी जी, यस फोर के इस रैली के पूरे समर्थक, विभिन्न पदों पर काम कर चुका हूँ, सबका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में 22 लाख कर्मचारियों शिक्षकों के पेंशन को इस सरकार ने समाप्त किया है, उसका आक्रोश इस विशाल रैली के रूप में फूट रहा है। यह सरकार को चेतावनी है
कि पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई बार प्रदर्शन, ऐसा है तब तक यह चलता रहेगा जब तक पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं कर देती, चाहे इसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े, कोई कुर्बानी लेनी पड़े। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो क्या 19 के चुनाव में जमा, ऐसा है, अभी मैं चुनाव की बात नहीं करता क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन हम पुरानी पेंशन लेंगे ही चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। अगर नहीं मिलती है तो पुरानी पेंशन लेंगे चाहे उसके लिए हमें कोई कदम उठाना पड़े। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि किस तरह से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई बार विशाल प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो चुका है, आज भी विशाल प्रदर्शन हो रहा है, तो उसमें कई प्रमुख नेता शामिल हैं। किस तरह से उन्होंने शिक्षकों की लड़ाई लड़ी, किस तरह से शिक्षकों के लिए कई त्याग किए, उसी में एक शिक्षा मित्र साथी भी है जिनका गाजी माम आला नाम है, आइए उनसे भी बात करते हैं। जैसा कि कई नेताओं से बात किया पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, आइए उनसे भी बात करते हैं इस विषय में कि क्या सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं ये लोग। तो ये बताइए, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं आप शिक्षकों को लेकर, तो क्या इस बार किस जब विशाल रैली का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, क्या उद्देश्य है इस रैली का? यशपुर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के तहत आज पूरे प्रदेश के शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा मित्र सभी लोग आज एकजुट होकर के आज इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश से भारी संख्या में, जिसे आप लोग देख सकते हैं, जो सभी एक अंगड़ाई, ये रैली नहीं, एक रैला के तहत काम कर रहे हैं। सबका समस्या है, अलग अलग समस्याएं हैं, सबसे आज का जो मुख्य रूप से है पुरानी पेंशन की बहाली का, हम साधुवाद देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, साथ ही साथ जो शिक्षा मित्र का समस्या है जो बरसों से चल रहा है, जो समायोजित हो चुके थे, उस समस्या को लेकर के चूँकि हम उसके नेतृत्व करते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई को भी इसमें शामिल किया गया है। सभी जितने संविदा कर्मी हैं, जितने शिक्षा मित्र हैं, जो भी आंगनबाड़ी के हैं, या जो भी हैं, जो भी संविदा कर्मी हैं जिसकी लड़ाई का हम स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं, हम उस लड़ाई को धार देने के लिए आज इस रैली में, इस S4 के इस विशाल कार्यक्रम में हमारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज जिस तरह से कई बार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विशाल प्रदर्शन कई संगठन कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है, तो क्या अगर इस बार भी आश्वासन ही हाथ लगता है तो क्या रैली शांत हो जाएगी? रैली इसका जो कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं माननीय SP तिवारी जी, माननीय अभिमन्यु तिवारी जी, या उनके नेतृत्व में सभी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस निर्णय लेना उनका काम है कि क्या निर्णय लेते हैं, क्या आगे वो मार्गदर्शन करते हैं। जो मार्गदर्शन हमारे माननीय SP तिवारी जी, माननीय अभिमन्यु तिवारी जी, या आए हुए प्रमुख जो नेता जो निर्णय लेंगे, उस निर्णय में हम भी भागीदार हैं, और एक मजबूत संगठन के नाते उस निर्णय में हमको भी, हमसे भी जो भी सलाह लिया जाएगा, जो उचित समय होगा तो उचित समय पे उस तरह का एक विचार पे पूरा विश्वास रखते हुए ये बात बोल रहे हैं। सरकार को जिस तरह से समस्याएं संविदा कर्मियों का है, शिक्षा मित्रों का है, या होमगार्ड है, आंगनबाड़ी, जो भी प्रदर्शन है, उसको 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 उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि बिना पूरा किए इनके जो मन में अविश्वास पैदा हो रहा है उसको पूरा करना चाहिए। जो शिक्षक बन चुका था, जो उससे वंचित हो गया है, या जो पेंशन पाते थे आज पेंशन से वंचित हो गए हैं, या तमाम संविदा कर्मी जिसका उम्र बढ़ रहा है, वो सभी की लड़ाई एक सामूहिक रूप से आज यहाँ पे एक लड़ा जा रहा है, और इसका निश्चित तौर पे सरकार को इस भारी हुजूम को देखते हुए निश्चित तौर पे आज ही निर्णय लेना चाहिए। क्या जैसा कि कई राज्यों में चुनाव हुआ तो क्या उसी का असर है? ये सब चुनाव से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षा मित्र, आपकी मांगे, इन समस्याओं को लेकर के मांग पूरी कराने, पुरानी पेंशन है या जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को पूरा कराने के लिए आज है। इससे हम लोगों को उस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। जो हमारे हित में सोचेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं मनोज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष जिला बहराइच जनपद से हूँ, और ये आज पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश से कम 2 लाख शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। इसमें कई प्रकार के कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो भी पेंशन विहीन कर्मचारी है जिसमें संगठन की वो है, वो S4 के तहत SP तिवारी जी, सुशील पांडे जी। पुरानी पेंशन को लेकर इस तरह की समस्या आई, कई सरकारें आई,
इसके पहले से विगत 10 वर्षों से ये समस्याएं हैं और अनेक प्रकार से संगठन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के ऊपर ये सूचना दी जा रही है। हम लोग शिक्षक हैं और किसी प्रकार के हम लोग अराजक तत्व नहीं है जिसमें किसी प्रकार का उत्पात मचाए। शांतपूर्वक हम लोग इकट्ठा होकर अपनी बात को सरकार को सुनाने के लिए करते हैं। फिर भी सरकार के अभी कोई जू नहीं रेंग रहा है और ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि अब सरकार चेत जाए। अगर कर्मचारी के हित की बात नहीं होगी, हम उनको अगर पेंशन की ज़रूरत होती है तो संसद भवन में विधानसभा में अपने मेज तक पका करके अपनी पेंशन को दूना कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कर्मचारी जो 60 साल 62 साल तक इनकी सेवा करते हैं, हमें किसी प्रकार के पेंशन भोगी नहीं, दैनिक भोगी की तरह रखा जाता है। इसके पहले पेंशन मिलती थी, आज वो पेंशन को बंद कर दिया गया। आपको सरकार से उम्मीद क्या है? हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, यदि उनको सत्ता चाहिए हम लोगों से या हमारी जनता से तो उनको देना पड़ेगा। ये हमारी सरकार की एक मुहिम थी, हम लोगों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसी का नतीजा है कि जो 5-5 स्टेट वो हार चुके हैं। इनको अब चेत जाना चाहिए कि अगर इनकी समस्याओं को समाधान ना किया गया तो ये इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इसके बाद अगर यहाँ से हमारी समस्या समाधान नहीं होता है तो माननीय अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तहत रामपाल ईश्वर और सबके अंदर में ये धरना प्रदर्शन दिल्ली में होगा, जो एक ताकत की तैयारी शुरू हो गई है। उसमें एसपी तिवारी जी, अभिमन्यु प्रसाद तिवारी जी, सुशील पांडे जी, वेदपाल जी, इन सभी के बैनर तले इसके बाद हमारा दूसरे धरना प्रदर्शन का आयोजन संभवतः इनके दिशा नेतृत्व में दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें एक प्लान बन चुका है कि जब तक हम लोगों को पेंशन बहाल नहीं होगा तब तक आंदोलन धरना चलता रहेगा। आज यहाँ जो हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं भीड़ पुरानी पेंशन बहाली के लिए, हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा जो ये विधायक सांसद पुरानी पेंशन ले रहे हैं इनकी भी समाप्त की जाए। आज सैकड़ों की संख्या में नौजवान जिनको 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के बाद नवीन पेंशन दी जा रही है, जिसमें कई खामियां हैं और उन खामियों को कई बार उजागर किया जा चुका है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुशील पांडे के नेतृत्व में, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। इसके लिए आज हम हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं और आगे के कार्यक्रम की जो भी रणनीति हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा तय की जाएगी, हम सारे लोग उसका अच्छा पालन करेंगे। महामंत्री जलवीर सिंह यादव के नेतृत्व में हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं और इस पुरानी पेंशन दिलाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम सहर्ष तैयार हैं और तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि संयुक्त संघर्ष संचालन समिति द्वारा जो पुरानी पेंशन बहाली अभियान चलाया गया, उसके अंदर सभी नेताओं ने अपनी बात रखी, किन किन प्रकार से कर्मचारियों को परेशानी आएगी अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई। तो ऐसी हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक भी कर लीजिए।